हेलो गाइस, क्या आपने कभी ऐसा मेडिसिन खाया है 500 mg का? और सोचा है क्या कि ये 500 mg का ड्रग खा रहे हो, सारे 500 mg हमारे काम का है, मीन्स हमारे ब्लड में जाता है, हमारे सिस्टम सर्कुलेशन में जाके हमें फ़ायदा देता है, ये काम करता है। अगर आपने ये सोचा है कि 500 mg कितना ड्रग जाता है हमारे सिस्टम सर्कुलेशन में या कितना ही वेस्ट हो जाता है, तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल बेसिक फार्माकोस। माय नेम इज अभिषेक सुमन, आई एम बी फ्रॉम फाइन रेस्टोरेंट। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि चैप्टर का नाम है, छोटा स्टेप चैप्टर है, म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये NDDS का पार्ट है, NDDS ग्लोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन 7 सेल। ठीक है, तो हम लोग मिलने यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम लोग उसका मतलब समझते हैं, म्यूको एडेसिव या म्यूकोसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पहले म्यूको एडेसिव समझते हैं, म्यूको एडेसिव क्या होता है, उसको हम लोग मोलिकुलर सीजर से कट करते हैं दो वर्ड को, म्यूकस प्लस एडेसिव। म्यूकस, म्यूकस में जो एडेसिव फोर्स, जो भी एडेसिव फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं म्यूको एडेसिव। मतलब कि जब भी कोई हम लोग ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो ड्रग खाते हैं, जैसे कि इसे भी बताया थोड़ा पहले कि 500 mg का ड्रग खाते हैं हम लोग, तो उसमें से 500 mg वो हमारे सिस्टम से कुछ नहीं जाता है, उसमें से कुछ ही जाता है, 100 जाए 200 जाए 200 mg जाए, ऐसे ऐसे ही करीब करीब जाता है। ठीक है, तो हम लोग का डेवलपिंग में ऐसा बनाया गया सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम बनाया गया कि कम अमाउंट का ड्रग खाएं तो वो एक्जैक्टली एटलीस्ट ओरल ड्रग बहुत से ज़्यादा जल्दी जाए और अच्छे से काम करे। जैसे कि टेबलेट खाते हैं, 200 mg गया ख़त्म, स्किट आउट हो गया। किसी किसी पर्सन में तो हाफ ही होता है, स्किट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक नया टर्म लाया गया, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या जाता है कि कोई भी ड्रग हमारे म्यूकस पे जाके एडहेयर हो जाए, चिपक जाए, ताकि हमारे ब्लड में या ताकि थ्रू वह स्लो स्लो रिलीज या एब्जॉर्ब होते रहे, टिश्यू में एब्जॉर्ब होते रहे, इसलिए हम लोग म्यूकस ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया गया। हाँ, सबसे पहले बात है म्यूकस क्या होता है, आप लोग सोचते हो म्यूकस क्या होता है। एक म्यूकस एक जेली वाइली चिपचिपा सा सबस्टांस जो हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, ये मेरी दो जगह सीक्रेट होता है, एपिथेलियल सेल में होता है, स्टेरिफाइड में होता है। तो हम लोग स्टेरिफाइड में जो होता है कौन सा सेल से होता है, तो उसका नाम हम लोग याद कर लेते हैं, गोबलेट सेल से एपिथेलिया में हमारा म्यूकस सीक्रेट होता है। और ये गोबलेट सेल सीक्रेट में लिखा प्रेजेंट होता है, ये हमारे म्यूकस स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। पर स्टेरिफाइड का बात करेंगे, स्टेरिफाइड वेल डेवलप्ड एक ग्लैंड जैसा काम करता है जो कि हमारे ओएसोफेगस, वजाइना और डिफरेंट कैविटी में प्रेजेंट होती है। ओके, तो हमें यहाँ पे ये समझें कि म्यूकस क्या होती है, म्यूकस का क्या वर्किंग है और क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं म्यूकस का कंपोनेंट क्या क्या है। म्यूकस एक म्यूकस जेली है, जेली नहीं कह सकते उसको, एक चिपचिपा सबस्टांस कह सकते हैं, बस लिक्विड कर सकते हैं, सेमी सॉलिड लिक्विड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 95% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, और बाकी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लिसराल्ड प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा हूँ आप लोगों को, तो इतना चीज प्रेजेंट होता है। और मेनली फंक्शन क्या होती है, पहला फंक्शन ये होता है प्रोटेक्शन, म्यूकस हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि कोई भी हम लोग बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हमारे लंग्स के आ जाए या फिर स्टमक में आ जाए, तो म्यूकस उसको इंगल्फ कर लेता है और खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि कफ आना, कफ एक रिफ्लैक्स एक्शन है, जबकि हमारे बॉडी में कुछ आया उसको रिफ्लैक्स एक्शन करके बाहर करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं कफ आना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है बैरियर, बैरियर में क्या होता है, बीच का तो बैरियर, उसको बीच के बैरियर बोलते हैं। तो म्यूकस एक ऐसा बैरियर है जिसके एक तरफ इस तरफ ड्रग आता है, ड्रग से बाइंड किया और उसको धीरे धीरे टिश्यू से एब्जॉर्ब निकला, तो एक तरफ ड्रग हो गया, एक तरफ क्या हो गया, टिश्यू हो गया, तो उस तरह से उसको एब्जॉर्ब आता है। तो हम लोग यहाँ तीसरा फंक्शन क्या होता है, एडहेशन। एडहेशन मतलब क्या होता है, म्यूकस के ऊपर एक एडहेसिव फोर्स होता है जो कि ड्रग को अपनी तरफ खींचे चिपका रहता है। ठीक है, चौथा क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन। म्यूकस के पास ल्यूब्रिकेशन मतलब म्यूकस के पास वाटर ज़्यादा था, इसके वजह से वो मॉइस्ट रहता है,
मॉइस्ट होता है कुछ चिपचिपा तो उसको पकड़ कर रखते हैं, लेकिन कुछ सूखा रहेगा सूखा तो फट जाएगा मतलब गिर जाएगा, इसलिए उसको लुब्रिकेट ड्रग को चिपका रहता है। हम लोग को मेनली यहाँ पढ़ना यह है कि सर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, मेनली इसमें यही क्लियर बात है जो मैं बताया अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया, और ये बात है कि ये ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने पास चिपका के रखता है, ठीक है। जिससे क्या होता है स्लो स्लो में वो एब्जॉर्ब होते रहता है और उसका लंबा बायोअवेलेबिलिटी होता है, धीरे धीरे स्लो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही जैसे ओरल ड्रग खाते हैं तो वो तो छन जाता है, एब्जॉर्ब हुआ हुआ नहीं हुआ तो उसको निकल जाना ही है, मेटाबोलाइज हो जाना है, इसलिए हम लोग ये बनाते ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करके रखें। एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज समझते हैं, कुछ भी चीज़ का तो अच्छा बात भी होता है बुरा भी कुछ ना कुछ होता ही है, इसलिए हम लोग एडवांटेज समझते क्या होता है मेरे पास ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे क्या करता है इंक्रीज बायोबिलिटी, मेरे लिए 5-6 पॉइंट को अच्छे से याद रखना, याद करना है समझ लेना है ताकि ईजी पेपर में ईजिली दिख सकते, कोई ज़्यादा टट्टा मारने की ये करने की बेचैन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेना है। जैसे कि बायोबिलिटी, अब इंक्रीज बायोबिलिटी, अब बायोबिलिटी क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे कि हम लोग 500 ml ड्रग खाते हैं, ठीक है 500 ml खा लिए और हमारे ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 200 ml पहुँचा, तो हमारा बायोबिलिटी 200 ml ड्रग का ही आएगा 500 ml में, उसी को बायोबिलिटी कहते हैं। और न्यूक्रेसी एडिमिट ड्रग लेने से बायोबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि वो उसको बाइंड कर रखते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि वो हेपेटिक बाईपास नहीं करने देता है, जैसे कि हम लोग और ड्रग डिलीवरी सिस्टम का हमेशा डिसएडवांटेज यही रहा है वो तुरंत जल्दी से वो लीवर में जाके वो है मतलब कि मेटाबोलाइज हो गया वो बाहर निकल जाता है, लेकिन ये ड्रग म्यूकस एडिटिव है मतलब उसको पकड़ कर रहता है म्यूकस हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, तो जहाँ पे इतना सिस्टमेटिक स्लोली स्लोली जाता है तो ये क्या होता है वो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म से प्रोटेक्ट करता है, तो ये फायदा होगा। तीसरा क्या होगा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जैसे कि हमारा ड्रग गया म्यूकस से बाइंड किया, म्यूकस से बाइंड कर दिए बैरियर तो मैंने बताया ना बैरियर रहता है तो टिश्यू से कनेक्ट रहता है तो ईजिली जल्दी जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो सिस्टम सर्कुलेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है लार्ज कंटेक्टर, मतलब कि ये मान लीजिए छोटा सा कंटेक्ट ड्रग है इतना छोटा कंटेक्ट सरफेस एरिया, छोटा कंटेक्ट सरफेस एरिया है तो वो थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब होगा, अगर बड़ा सरफेस एरिया होगा वहाँ पर बड़ा ड्रग होगा लंबा सा फैल गया होगा तो इजली जल्दी जल्दी फास्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब होगा उसके थ्रू, ठीक है। एंड एट लास्ट दी पेशेंट कंप्लेंस, इसे बहुत बड़ा फैक्टर कह सकते हैं, जैसे कि पेशेंट लोग को बोलते हैं ये दवाई खा ले तो वो भूल जाता है या फिर कोई इंजेक्शन टाइम टाइम देना होता है, हम लोग उसे इंजेक्शन बार बार देते हैं जब बार बार पेन होता है तो बार बार कंप्लेन होती है दर्द हो रहा है ये हो रहा है वो, तो इससे अच्छा है कि हम लोग म्यूकस रिसीव दे दें ताकि वो हमारे जाके म्यूकस में बाइंड होकर रहेगा और सस्टेन रिलीज करेगा लंबा रिलीज करेगा धीरे धीरे रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज के साथ साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि अगर इस ड्रग का टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसको जल्दी से हम लोग उसको क्या कहते हैं एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो चिपका हुआ रहेगा म्यूकस से, तो इजली वो जल्दी से तो होगा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा ये होगा। उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक कि हमने ये भी खा लिए और साथ में और कोई और ड्रग एक्स्ट्रा खा लिए कुछ भी खा लिए इसके से डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाएगा, इसी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो ड्रग हमारे म्यूकस से ज़्यादा देर बाइंड रहेगा हमारे स्टमक के लेयर से ज़्यादा बाइंड रहेगा ड्रग तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेज थे और मेन एडवांटेज थे, मैं ओवरऑल कंपाइल कर रहा था मैंने क्या क्या भी बताया आप लोगों को, पहले बताया म्यूकस एडिसिव क्या होता है, फिर म्यूकस क्या होता है, म्यूकोसा क्या होता है, उसके बाद उसका फंक्शन होता है कहाँ कहाँ से म्यूकोसा ब्लीक होते हैं, उसके बाद एडवांटेज क्या होता है डिसएडवांटेज क्या होता है, ओके यस ऑल फॉर टुडे, अगली वीडियो में पार्ट टू में वो देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड अल्लाह हैव अ नाइस डे, एट लास्ट स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।